Hey guys, welcome back to the walk. Today Papa, दीदी के लिए कुछ गिफ्ट ले आ, बहुत देर से बोल रही है। कौन दीदी? गीता दीदी। इनके लिए गिफ्ट लेके चलना है? हाँ। चलो ठीक है, ले चलेंगे आज। अरे टुडे तो बता दो, ब्लॉग की स्टार्टिंग तो कर दो। वेलकम बैक, हम लोग तैयार हो चुके हैं। रितु अटैचिया लगा रही है, बच्चे को मैं संभाल रहा हूँ, रस्सी भी तैयार होकर नहा धो के रेडी हो चुकी है। हम लोग ऐसे निकल रहे हैं, प्लान तो था कि आमेर फोर्ट जाएंगे फिर थाली खाएंगे, थोड़ा लेट हो गए। अभी सिर्फ राजस्थानी थाली खा के निकलेंगे दिल्ली, क्योंकि दिल्ली वी हैव टू रीच बिफोर टाइम। अगर गुड़गांव हाईवे फंस गए तो गंदा फंस जाएंगे। क्या बना रही हो? बीन्स है, इसकी सब्जी बनेगी। ठीक है, दिल्ली लेके जाओ। दिल्ली पीयू भी खाएगी, मैं भी खाऊंगा। ये छोटे छोटे बीन्स होते हैं, जब ये पक जाते हैं ना तब हमको देते हैं। समझ गए पीयू, दीदी क्या कह रही है। कहाँ जा रही हो? पकाने बीन्स को। ठीक है, मैंने भी लाना है कटोरी। यार अब बीन्स पकेंगे नहीं, कच्चे हो गए ज्यादा। भैया हमने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया कि बीन्स खाएंगे, ऐसा मत करो रशी यार, ज्यादा कच्चे हो गए। क्या पकाओ, 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 पकाओ। बाय बाय, थैंक यू सो मच। रात को मस्त पार्टी की आग जला के बहुत मजा आया भाई। चलो लोग आ चुके हैं यहाँ पे, सब लोग अभी यहाँ पे लंच करने आ रहे हैं राजस्थानी। बैठ जाओ, चलो चलो चलो। पेंसिल बॉक्स आपका यही ना था, गाड़ी में होमवर्क ही नहीं कर रहा। बताओ यात्रा पूरी हुई, जय माता दी। सुबह सुबह आया, मैंने कहा तो आज पहली सुबह हस्बैंड बन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ब्रो। वो देखो रशी, एलिफेंट देखो। हाँ पता है कहाँ से आ रहे? भैया बहुत एलिफेंट आ रहे, किसी की शादी थी क्या कोई? भैया पीछे पूरी सेना है, तो राजा की सेना के आ गए क्या? और आ गए, और आ गए। देखो ये कलर वाले शायद ये फीमेल है, बाकी मेल है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं रेस्टोरेंट जो कि महल के अंदर ही है, तो यहाँ से यू टर्न लेके ऊपर जाना पड़ेगा हमें। पीछे सामने फोर्ट है ना, हम लोग फोर्ट के ऊपर जाएंगे, रेस्टोरेंट फोर्ट के ऊपर है। देखो रशी कहाँ पे आ गए, फोर्ट के टॉप पे। देखो ये राजा का महल था रशी। देखो तो हम लोग पहुंच चुके फोर्ट में, हमारा प्लान था फोर्ट घूमने भी आएंगे, खाना खाएंगे, बट दोनों चीज एक ही जगह हो गई। बढ़िया गजब भसड़ पार्किंग की भाई। तो ये आ चुके हैं 1135 जो कि यहाँ पे है, ये वॉल पैलेस की। रेस्टोरेंट सर खुला हुआ है? आ जा भैया बैठो सारे। चीयर्स। थैंक यू सो मच। तो खाना आ चुका हमारा, फाइनली खाना बहुत देर के बाद। सिल्वर की थालियों में इतना भारी, उठाने में बॉडी बन जा भाई। प्लेट भी सिल्वर है, ग्लास भी सिल्वर है। लंच कंप्लीट। हाँ भाई रिव्यू दीजिए, हुडा सब आपने ढूंढी थी ये जगह। कट गया। दाल बाटी दे दो। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार, बिल्कुल शादी वाला ही खाना था जो कल खाया यार। लंच हमारा हो चुका है, सबसे बेस्ट पार्ट तो यही है यहाँ पे। नहीं यहाँ सब व्यू होना चाहिए, तू व्यू के साथ खाओ। नहीं बाकी तले नीचे मजे आएंगे ढलाने पूरे। वो देखो गोट काकड़ी, देखो 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 देखो। लंच हमारा कंप्लीट, अभी निकले दिल्ली के लिए। रास्ते में बस चाय की रुकेंगे, और लंच इतना हैवी था, काफी ज्यादा अच्छा खासा प्राइस था पर थाली, बट बिल्कुल भी फ्रेश खाना नहीं था, बिल्कुल मजे नहीं आए खा के यार। और हैवी इतना लग रहा है कि सो जाए बस। अभी रास्ते में रुकेंगे एक कप चाय के लिए, अब दौड़ाते दिल्ली। सब लोग गुड़गांव वाली जनता है, हमें जाना गुड़गांव से दिल्ली, तो हमारा एक घंटा डेढ़ घंटा उसके ऊपर एक्स्ट्रा लगेगा। लग गए 5 घंटा दिखा रहा दिल्ली अपने घर तक, 5 घंटे। अभी टाइम हो चला है शाम के 4, अभी 3 घंटे का रास्ता बाकी है। रुके यहाँ पे चाय पीने के लिए, क्योंकि जो हिसाब से खाना खाया था हमने, भैया खाना किसी को पसंद नहीं आया। सबके फोन आ रहे हैं, भैया आंखें बंद हो रही है, चाय पी लेते हैं। आ जाओ, चाय आ गई, धन्यवाद भैया। अरे बेटा भैया, भाई सबके चेहरों पे ऐसी नींद फटी पड़ी है ना, सब लोग कहते भैया कब रुकोगे कब रुकोगे। अभी सब कंप्लेन करते हैं भाई क्या खाना है, क्या इतना भारी खाना, पेट से उतरा नींद आ रही है। यहाँ साले लैंड होते ही पराठा मंगा लिया, अग्नि अपने हाथों से स्वाति को खिलाता हुआ। एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन अपने मॉलिक्यूल मक्खन के लगाने। भाई मेरे से पूछ लिया ऐसे, इतना ठीक है और लगाओ बाबा और लगा दो। तो हम लोग रुके थे कि खाना बहुत खा लिया, नींद आ रही है, चाय पी के नींद भाग गई, और फिर पराठा मंगा लिया, फिर नींद आएगी भाई चलाते हुए। वी विल बी स्टक इन अ लूप, फिर आगे रुकेंगे चाय के लिए, फिर तुम वहाँ पराठा मंगा लोगे। जस्ट अभी चाय पी के चले, जैसे ही पता नहीं गाड़ी चलाने में क्या, जैसे ही आप रुकेंगे पानी पियेंगे वॉशरूम करेंगे कुछ भी करेंगे नींद गायब। अभी बैठे फिर से नींद जाने चालू हो गई, इसलिए जब आप पढ़ाई करते हो तो नींद आती है, जैसे किताब बंद करते ठीक हो जाते हैं आप। अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 ऑलमोस्ट बज गए, और हम लोग इस समय क्रॉस कर रहे हैं मानेसर टोल। जब हमने वहाँ से स्टार्ट किया था तो वो कह रहा था कि 7:15 तक आप घर पहुँच जाएंगे, अभी 7 बजे मानेसर टोल पहुंचे। यहाँ से दिखा रहा है 1 घंटा 50 मिनट, मैं तो कहता हूँ होटल लेके सो लो बेटा, आज कोई जरूरत नहीं घर जाने की। अभी जस्ट हम लोगों ने गुड़गांव टोल क्रॉस के सामने जाम देखो लग गए। रात के 8:50 हो रहे हैं, फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके। मुझे तो आज उम्मीद छोड़ दी थी कि घर पहुंचेंगे भी भाई, सर दर्द बुरी तरीके से हो रहा है। जितना पोल्यूशन दिल्ली की सड़कों में उससे ज्यादा हमारी सोसाइटी के अंदर आखिर बात क्या है। पोजीशन मिले मतलब एक साल के ऊपर हो गया, लेकिन ये काम ही खत्म नहीं हुआ, तो पोजीशन दे के भी काम चालू ही है, तो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है। दिन में भी सो रहे हैं, ऊपर ड्रिलिंग चल रही है। अरे भैया कहाँ जाना है, रास्ते में उतरा कुछ काम के लिए, किसी ने मोमो की चटनी डाली मेरे ऊपर, देखो पैर में भी पूरी चटनी के लिए। अरे भैया
पगला गया। अरे फेंक दिया, अरे लग रही है भैया। जाओगे बच्चे चल इतना बढ़िया खुश। नहीं नहीं, इट्स बीन डन। सोचा था कि घर आके जल्दी जिम कर लेंगे, बट अभी बिल्कुल हालत नहीं है। रात के 10 बज चुके, फट जाएगी। चाय रेडी है, पीनट बटर ब्रेड रेडी है। मम्मा कहाँ है? मम्मा आजकल सुपर डुपर डबल शिफ्ट में काम कर रही है। गाड़ी में पूरा मीटिंग, अभी आ गई रूम में, रूम बंद करके मीटिंग। कितनी मीटिंग करी है पता नहीं है। जितना काम पिछले 4 सालों में मैंने फ्लाइंग बीच के लिए किया ना, फिर 2 महीने में उतना काम निपटा देगी। छोटे थे ना तो पापा जब भी काम से आते थे ना, पापा गुस्सा करते रहते थे। घर में आके गुस्सा करते थे मम्मी पे, कभी हम पे। हम बच्चों की तो पिटाई हो जाती थी। हमें पापा का इसलिए बहुत डर था कि हम सीधा जाके ना बस पढ़ाई करने बैठ जाते थे। जैसे हमें लगता था हमेशा कि मम्मी ये क्या है कि यार पापा हमेशा ही गुस्सा करते रहते हैं, पिटाई कर देते हैं, पापा का चिड़चिड़ा माहौल है। मतलब हम सोचते कि इसलिए हम कभी पापा से ना खुल ही नहीं पाए थे। बट यार आज मुझे समझ आ रहा है, व्हेन यू आर एट वर्क एंड यू हैव सो मच टू डू, इतनी सारा पछेड़ा घर में, कभी कुछ कभी बाहर कुछ, कभी आपस ओवरलोडेड होते हो और चीजें हो नहीं रही होती हैं, तब वो घर में फ्रस्ट्रेशन निकालता है। पापा लेबर कॉन्ट्रैक्टर थे, तो लेबर के साथ डील करना, ऑफिसर्स के साथ डील करना, आज मेरी सेम चीज हो रही है। मेरी फ्रस्ट्रेशन कभी गौरव पे निकल रही है, कभी बच्चों पे निकल रही है। आप जब उस स्टेप पे आते हो ना, देन ओनली यू अंडरस्टैंड। व्हेन आई वेक अप एट 7, दैट इज द टाइम क्लॉक स्टार्ट्स एंड इट एंड्स एट 12 एट नाइट व्हेन आई गो टू बेड। तब भी काम होता ही नहीं है। एक और चीज जो मेरी लाइफ की बिगेस्ट लर्निंग है कि इंडिया में ना न्याय पाना, अगर आप सही हो तो आपको मिलेगा जरूर, लेकिन उसका रास्ता इतना कठिन है ना यार, बहुत कठिन है भैया। गरम है, दूर रहो, गरम है, दूर रहो, दूर रहो। सॉक्स क्यों नहीं पहनी बेटा? रशि, आपकी सिस्टर बिना सॉक्स से घूम रही है। बहुत कोशिश करी, पहनाओ उसको, आपकी छोटी सिस्टर है उसको पहनाओ, आपकी बात मानेगी। पीहू, वो बड़ी सिस्टर है आपकी, चलो पीहू बड़ी सिस्टर की बात मानो, चलो बड़ी सिस्टर की बात मानो। रशि, अगर ये ना माने पिट्टी कर देना। क्या? It was at this moment that he knew. नहीं, पहले क्या बोला? ऐसे एक प्यार से बेटा। इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए, हमारा तो बहुत हालत खराब है। आज हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जयपुर से दिल्ली आए, गुड़गांव तक, मानेसर तक आराम से बच गए थे। मानेसर के बाद हमारी फट ली भाई। अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे कल, बाय।